हेलो गाइस, तो आप सभी का स्काई व्यू के एजुकेशन में फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस, उसमें ऊजेनेसिस का पार्ट 4। ऑलरेडी मैंने गैमेटोजेनेसिस का पार्ट 1, 2, 3 चैनल में डाल दिया है। अगर आपको देखना हो तो आपको उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ओके गाइस, तो अब डिस्कस करते हैं ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया है कि जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। ओके, तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या? ऊ मीन्स ओवम और एग। ओवम का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। जैसे गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। जो मैच्योर फीमेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं ऊजेनेसिस। ओके, ये जो ऊजेनेसिस की प्रोसेस है वो डिफरेंट है स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो प्रोसेस से बिल्कुल ही डिफरेंट है ऊजेनेसिस प्रोसेस। ओके, ऊजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ही। और एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तब ही ये ऊजेनेसिस इनिशिएटेड हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स जो कपल ऑफ डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं मदर सेल, और उसका नाम दिया गया ऊगोनिया, आर फॉर्म विद इन ईच फेटल ओवरी। तो एक ओवरी में कपल मीन्स मिलियन मिलियन कपल, 2 मिलियन एक ओवरी में प्रेजेंट होते हैं मदर सेल ऊगोनिया सेल, और फॉर्म हो जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज से ही ये स्टार्ट हो जाता है। ओके, देन ये जो दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंटर इनटू प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन एंड गेट टेम्परली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी ऊसिस्ट। मतलब के जो दिस सेल मीन्स के ऊगोनिया सेल, जो ऊगोनिया सेल है मदर सेल है, ये जो मदर सेल है। ओके, तो ये जो मदर सेल है ऊगोनिया जो सेल है वो डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो उसका जो होता है डिवीजन वो माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है तब क्या होता है, 2n में से 2n, मतलब के डिप्लोइड सेल में से डिप्लोइड सेल ही बनते हैं, उसको हम बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन। इक्विलिब्रियम डिवीजन होता है उसमें रिडक्शन मीन्स के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ये माइटोटिक डिवीजन में डिप्लोइड में से डिप्लोइड ही बनते हैं। तो ये जो ऊगोनिया सेल है वो मदर सेल है, वो माइटोटिक डिवीजन डिफरेंशिएट करते हैं और प्राइमरी ऊसेड बनाता है। और ये जो ऊसेड बने, ये प्राइमरी ऊसेड, ये 2n 2n है, ये प्राइमरी ऊसेड बने हैं, उसका फिर मियोटिक डिवीजन होता है। तो जो मियोटिक डिवीजन होता है उसमें क्या होता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो ये जो मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ है उसमें प्रोफेज 1 जो है उसमें भी स्टेज होते हैं, 5 स्टेज होते हैं। तो ये प्रोफेज 1 में डाइकाइनेसिस जो का जो स्टेज होता है तब ही वो अरेस्ट हो जाता है, तो वहाँ पे रुक जाती है साइकिल टेम्पररी, और वो प्रोफेज में से मेटाफेज में एंटर नहीं होते। जो चाइल्ड में होती है फीमेल तब तक होता है उसका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और वहाँ पे ही वो अरेस्ट हो जाता है। ओके, देन ये मियोटिक डिवीजन हो गया तो अरेस्ट हो गए सेल, तो वो अरेस्ट। फिर जब ये फीमेल जो होती है वो प्यूबरिटी स्टेज में एंटर होती है, जो प्यूबरिटी स्टेज में एंटर हुई ये फीमेल, तब उसका डिवीजन आगे बढ़ता है प्रोफेज में से मेटाफेज। ओके, तो उसको हम बोलते हैं मियोटिक का आगे का डिवीजन होता है और उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऊसिड। वो प्राइमरी ऊसिड में से सेकेंडरी ऊसिड बनाता है। ओके, देन ईच प्राइमरी ऊसिड्स
then get surrounded by a layer of granulosa cell and then called primary follicles. तो ये क्या है कि ये जो है ये ओसिट है, ये प्राइमरी ओसिट है, वो फुली ग्रो है और उसके आजू बाजू ग्रेन्यूलोजा के सेल बनाते हैं. तो ये जो स्ट्रक्चर हुआ उसको फिर बोलते हैं हम प्राइमरी फॉलिकल. देन अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेटेड ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबरिटी स्टेज. तो बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स ये होते हैं प्राइमरी ओसिट प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं जो बर्थ टू प्यूबरिटी स्टेज में. और जो जब ये फीमेल एट प्यूबरिटी स्टेज में आती है तब 60,000 टू 80,000 ही ओनली प्राइमरी फॉलिकल रहते हैं इन ईच ओवरी. एक ओवरी में 60,000 टू 80,000 फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं. देन प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोजा सेल एंड अ न्यू थीका. तो ये क्या बोल रहा है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्राइमरी फॉलिकल है, उसमें ये ग्रेन्यूलोसा सेल तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है और वहाँ पे ग्रेन्यूलोसा सेल के ऑलरेडी बहुत सारे सेल बनाता है और उसमें थीका सेल भी बनाता है. सॉरी थोड़ा सा हंसी आ गई क्योंकि मेरी नीस है ना, थोड़ा सा परेशान कर रही थी मुझे. तो ये जो आप देख रहे हैं ये है, ये ग्रेन्यूलोसा सेल के मोर लेयर्स है और ये थीका सेल है. तो ये जो बोला ये फुल्ली मैच्योर ओसिट है, तो जो ये जो बन रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल. ओके देन प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल एंड गेट अ थीका, इट्स कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल. ओके गाइस आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा. अब मैं फटाफट से आपको रिवाइज करवा देती हूँ. आज हमने क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस ऊ जेनेसिस का पार्ट फोर. तो जो ऊ जेनेसिस है वो क्या है कि जो ओवम का फॉर्मेशन कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऊ जेनेसिस और वो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से बिल्कुल अलग है. और ऊ जेनेसिस की प्रोसेस होती है वो इनिशिएट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में ही और मिलियंस टू मिलियंस जैसे गैमेट्स मदर सेल बनते हैं, उगोनिया सेल बनते हैं, तो वो फॉर्म हुए होते हैं ईच ओवर, एक ओवर में 2 मिलियन जो मदर सेल फॉर्म होते हैं. ओके ये उगोनिया सेल होते हैं जो ये उगोनिया सेल है उसका माइटोटिक डिवीजन होता है, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये माइटोटिक डिवीजन इक्विलिब्रियम डिवीजन है. तो ये मदर सेल है प्राइमरी ओसिट बनाते हैं, प्राइमरी ओसिट बनाया तो वो फर्स्ट मियोटिक जो डिवीजन होता है उसमें ही रुक जाता है, यहाँ पे प्रोफेज वन में ही वो अरेस्ट हो जाता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में. और ये जब ये प्यूबरिटी स्टेज में फीमेल एंटर होती है तब ये सेकेंडरी ओसिट की साइकिल आगे बढ़ती है, मियोटिक डिवीजन होता है आगे बढ़ता है मेटाप्रोफेज में से मेटाफेज में और सेकेंडरी ओसिट बनाता है. और फिर ये सेकेंडरी ओसिट वाला पार्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. देन ईच प्राइमरी ओसिट देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेन्यूलस एंड देन कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल. तो ये जो फुल्ली मैच्योर ग्रोइन ओसिट है प्राइमरी ओसिट है उसकी सराउंड ग्रेन्यूलसा सेल बना जैसा लेयर बनाता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल. और ये जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ होते हैं और वो लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डीजनरेट होते हैं कौन से स्टेज में, तो बर्थ टू प्यूबरिटी स्टेज में डीजनरेट हो जाते हैं और एट प्यूबरिटी स्टेज में सिर्फ 60,000 टू 80,000 ही बचते हैं इन ईच, एक ओवरी में इतने ही बचते हैं. और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके सराउंड बनाता है मोर लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा का सेल और न्यू थीका सेल. ये ग्रेन्यूलोसा का सेल है और थीका सेल का ये जो लेयर है ऐसे ये बनाता है उसके आजू बाजू के. तो ये फुल्ली ग्रोन ओसिट है तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाए. ओके गाइस आई होप सो आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए तो आपको ये से वीडियो लेक्चर मिलती रहे आगे भी. ओके गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.